कोरोना काल में संकट, जहां एक तरफ इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाने की बात सर्वत्र की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ नशे के सौदागरों द्वारा शरीर को कमज़ोर बनाने वाली प्रतिबंधित मादक पदार्थों की तस्करी लगातार जारी है। बुधवार को जहां नगर थाना क्षेत्र के गांजे की खेप के साथ एक तस्कर को धर दबोचा गया, वहीं दूसरी तरफ गुरुवार को एक बार फिर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर चक्की ओपी थाना क्षेत्र के मसाड़ से अरक जा रहे एक बाइक सवार को पुलिस ने धर दबोचा। चक्की बाजार पहुंचने पर धर दबोचा गया, पास ही 20 किलो गांजा के साथ बरामद किया गया। पुलिस उसकी बाइक को जब्त कर लिया है। फिलहाल पुलिस तस्कर से पूछताछ कर रही है। बरामद गांजे की कीमत करीब 2.5 लाख आंकी जा रही है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार तस्कर स्थानीय अरक गाँव का रहने वाला रमेश सिंह है। चक्की ओपी थाना पुलिस ने ही 100 लीटर देशी शराब के साथ दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया है, साथ ही एक बाइक को जब्त किया है। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। CNB न्यूज़ टीम की रिपोर्ट। एक गुप्त सूचना के आधार पर चक्की थाना के द्वारा कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को मोटरसाइकिल पे गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है, तो और उसको गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की जा रही है और उस संबंध में और भी लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है और उसी के अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। सर, लगता है जो वाहन जांच हो रहा है उसका फ़ायदा मिल रहा है? वाहन जांच होने के कारण निसंदेह फ़ायदा हो रहा है। दोनों तरीके का फ़ायदा होता है, एक तो डिटरेंस का भी होता है और अगर उसके बावजूद कुछ लोग कमिट करना चाहते हैं कोई क्राइम तो उसमें पकड़े जा रहे हैं। और वहीं पर चक्की थाना अंतर्गत ही एक और मामले में शराब की बरामदगी हुई है, जिसमें दो लोगों को गिरफ्तार किया गया और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। 100 लीटर है। हालांकि वो जो शराब था वो देसी शराब बताया जा रहा है और उन लोगों को गिरफ्तार करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।